तो देखो सब कोई ध्यान दो, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे वो ऑफलाइन वाले, सब ध्यान से सुनो, देखो पूछना है कुछ ना। ठीक, तो हम लोग को पढ़ना है बी रैप ट्रैप, ठीक ना। तो इसका जो ऑथर है वो कौन है? सलमान लैंडलॉ। ठीक, तो इस कहानी जो है बी रैप ट्रैप, बोले थे हम कल, क्या बोले थे कि एक ऐसा कहानी है, एक ऐसा स्टोरी है कि जिसमें कि मनुष्य को मनुष्य बना सकता है, मेरे मनुष्य को सुखी बना सकता है, इस कहानी को समझ जाने के बाद, ऐसा ही कहानी है। ठीक, तो फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये तो नया नया गया है। ठीक, तो अब देखो, तो इसमें क्या है कि एक पेडलर है। ठीक, इस कहानी का ऐसा खास होता है पेडलर, एक पेडलर है, पेडलर मीन्स बोले थे जो कि बेचता है घूम के, नहीं एक पेडलर है जो कि क्या करता है, रैट ट्रैप बेचता है। ठीक है ना, वो बेचता है, क्या बेचता है? रैट ट्रैप बेचता है, कौन? पेडलर। और वो जो रैट ट्रैप होता है वो किसका बना होता है? वायर का। ठीक है ना, मतलब वो जो रैट ट्रैप है ये वायर का बना होता है, और इसको बनाता कौन है? खुद यानी कि यही बनाता है। ठीक है ना, पेडलर ही अपने हाथों से बनाता है, हैंडमेड है, हाथ से बना करके इसको बेचता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक, क्वेश्चन नंबर वन कि पेडलर कौन था, वो क्या करता था? रेड ट्रैप बेचता था। ठीक है ना, रेड ट्रैप किसका बना होता था? आयरन का। वो किसको? वायर का। ठीक ना, और वो कौन बनाता था? पेडलर अपने हाथों से बनाता है, हैंडमेड होता था। ठीक ना, क्योंकि दोनों का एग्जाम हो सकता है, जो नहीं कि वो रिटर्न होगा, नहीं एमसीक्यू हो सकता है, क्योंकि एक बार सुन लीजिए हमने, बस इसलिए सब कुछ तैयार कर जाना आगे। तो क्या बोले कि वो बेचता था, लेकिन ये जो पूछेगा, ये जो बिजनेस था क्या उतना प्रॉफिटेबल था, लाभदायक था? नहीं था, यानी कि रेड ट्रैप सेलिंग का जो बिजनेस था वो लाभदायक प्रॉफिटेबल नहीं था, फायदेमंद नहीं था। ठीक है ना, फायदेमंद नहीं था मतलब फायदा नहीं होता था, इसलिए जीवन यापन करने के लिए वो क्या करता था? कभी कभी चोरी कर, छोटा मोटा चोरी भी कर लेता था। ठीक है, जहाँ मौका मिला हाथ, मतलब मौका मिला तो हाथ मार लिया, समझ लिया ना, जैसे बकरी होता है, अगर बकरी को मिल जाके मौका हरा घास तो वो फिर खाइए लेगी। ठीक है ना, उसका कुछ करेगी, पता है बकरी को, देखा ना कितनों का लोमड़ी मारने वाला है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बोलता है लड़की सब बोलते हैं बकरी, नहीं रे जहाँ मौका मिला तो बोली लगेगी। ठीक है ना, मानेंगे ठीक है, बकरी लेगी, जहाँ मौका मिलेगा बात करिए नहीं, उसके पहले कुछ करिए। ठीक है ना, तो वो है, ये पराया लागू होता है। ठीक है ना, एक वो है बाद में, क्योंकि बहुत ही सिंपल सादी सादी रहती है। ठीक है ना, कुछ भी बोलती किसी से, वो अलग बात है। ठीक है ना, तो इसलिए बोलता है जब लड़का देखने आता है तो बोलता है मेरी बिटिया तो गाय है, गाय बकरी बोलना चाहिए, उल्टा बोलता है, क्या बोलता है? गाय है। क्या मतलब? सीधा सादा, सीधी सादी, नहीं मैं बोल काम बोलती है, कुछ मारेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, नहीं अपना आराम से रहेगी घर में, उसको सीधे साधी। हाँ अच्छी बात है, नहीं नहीं जब जाएगा लगा थी, नहीं क्या बोलेगा, मैं बोला तो बेल है, बेल ले रहे बेल के मतलब है कि बेल क्या करता है, मेहनत करता है, नहीं खेत जोतता है, दिन भर हल चलाता है, तो मेरे कहने मतलब कि लड़का बहुत मेहनती है, नहीं रे तो आपके लड़का तो क्या है, बेल है, बेल। ठीक है ना, बहुत मेहनती है। ठीक है ना, ऐसा है ना कि एक दिन एक मास्टर बताया, पूछा बच्चा को कि बता रहे कि तुम्हारा माँ देखो कितनी सीधी सादी गाय जैसी है, तुम्हारा बाप देखो कितना बेल जैसा काम करता है, अब तुम फेल क्यों जाता है? तो बच्चा बोला कि सर माँ मेरी है गाय, बाप मेरा है बेल, इसलिए हम हो गए फेल। नहीं तो ऐसा हाल है। ठीक ना, पहले बोलता है नहीं गए। ठीक ना, तो बोलता है कि हर कुछ छुपा रहता है, मतलब कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ साइलेंट जो है, साइलेंट लेटर समझता है, साइलेंट लेटर जो है इंग्लिश में होता है, पता है ना, जैसे कि जैसे ये क्या पता है, नाइट के साइलेंट है, तो किसने कहा कि हिंदी में साइलेंट होता है, अब बताओ हिंदी में साइलेंट होता है कि नहीं होता है? हिंदी में भी साइलेंट होता है, पता है कि नहीं होता है? इसका एग्जांपल दिया। ठीक है ना, ये देखो कुछ कुछ हिंदी में, इंग्लिश में तो लेटर साइलेंट होता है, हिंदी में वर्ड साइलेंट कर देता है, कैसे? जैसे
जब लड़की को रटा बिहार के लिए जाता है अपने घर, तो उसका साली लोग, ससुर लोग, दामाद लोग, सास लोग बोलती है ख्याल रखिएगा, बोलता है ना। तो हम लोग क्या समझते हैं, लड़की ख्याल रखिएगा। अरे बिल्कुल, वो बोला कि अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, अपना छुपा हुआ रहता है, समझ रहे हैं, अपना ख्याल रखेगा, अपना छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना, लड़की ठीक है, शुरू हो जाता है, समझ रहा है ना। तो वहाँ पर अपना छुपा हुआ रहता है, अपना साइलेंट रहता है, ठीक है ना, कोई वैसे घुस रहा है लेकिन साइलेंट रहता है, ठीक है ना। ठीक, तो क्या बोले कि वो रेड ट्रैप बचता था, लेकिन थोड़ा बहुत चोरी भी कर लेता था, क्योंकि उससे लाभदायक नहीं होता था। और रेड ट्रैप, हम बता दें कि रेड ट्रैप क्या था, चूहेदानी, नहीं चूहा को फंसाने वाला। और जब तक चूहा तब तक नहीं फंसेगा जब तक इसमें हम लोग कुछ चारा नहीं डालते हैं। तो इस चारे को हम क्या बोलते हैं, बेट, BAIT, बेट, इसमें सुना है चारा, आलू टमाटर नहीं दे दो, बस चूहा देखेगा यहाँ से घुसेगा, फिर वो निकल नहीं पाएगा, ऐसे खाने की जगह में फंस जाएगा, ठीक ना, चूहा फंसेगा, बस फंस जाएगा, ठीक ना। कल आज क्या हुआ कि उसमें हम रख देते टमाटर, ठीक है ना, चूहा घुसा तो अच्छा से घुसा भी नहीं था, बंद हो गया, बेचारा कुछ ही दब गया था। उछल रहा है, कुछ दब गया, थोड़ा कुछ पड़ रहा है, तो उसने क्या आवाज कर रहा है, देखते हैं कुछ उसका दब गया है। तो हम जब ढील कर दिए तो कुछ उधर अंदर घुसा लिया बेचारा, तो लोग चला गया, तो लो तुम सोओ, अभी तुमको हम सोओ देखेंगे, तुम क्या करना है, नहीं पूरा फिर हो गया, तुम कुछ करने जाएगा, तो वही हाल है, ठीक ना। बेचारा तो वही क्या बोलते हैं आगे, ये पेडलर कहानी शुरू होता है कहाँ से, कि पेडलर था वायर का, रेक्टर बेचता है, सोचता है, और वो दिन भर टाइम पास करता है, ठीक है ना, क्या सोच सोच के मन को खुश करता है, क्या सोच सोच के, ये दुनिया एक दुल्हन नहीं रे, ये दुनिया एक दुल्हन है, माथे की बिंदी याद नहीं रे, तो कहता कि ये दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है, इसमें धन संपत्ति नहीं, जॉय रिचेस धन संपत्ति नहीं, ये खुशियाँ हैप्पीनेस ये सब क्या है, सब चारा है। और जब मनुष्य उसको पाने के प्रयास करता है, वो हमेशा के लिए इसी चारे में फंस जाता है, चूहेदानी बंद हो जाता है, अगर जीवन का इलाज समाप्त हो जाता है, नहीं उसके बाद कल को बोला था कि हम लोग फंसा के खाने के लिए नहीं किसी को, नहीं रे कोई तो जितना मार देता है पटक पटक के, पता है ना, मार देगा पानी में डुबा के मार देता है, कोई कोई क्या करता है पता नहीं, ठीक है, नहीं मानना चाहिए उसको, चूहा चूहा तो फंसा लो जवाब ठीक हो, लेकिन बाद में छोड़ दोगे मेरे खेत में जाके, तो फिर तो कोई खेत खोद के निकाल ही लेगा, ना निकाल के निकालेगा, बाहर निकालेगा ना, क्या पता किन पेड़ में कुछ रहेगा, तो बड़ा बस कुछ और जिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये है, तो क्या था कि वो रेक्टर से बेचता था, सोचता था मन ही मन कि दुनिया बड़ा आसान चूहे दानी है, इसमें जो भी आता है, जो भी मानने का करता है, वो हो जाता है, फंस जाता है, और ऐसा सोचते सोचते भी पहुंच गया कहाँ पर, जा रहा था शाम हो गया, जब जाते जाते शाम हो गया, तो शाम जब हो गया तो सोचा कि शाम में हम जाएं तो कहाँ जाएं, तो उसे दिखाई पड़ा एक तो झोपड़ी दिखाई पड़ा, यानी क्या दिखाई पड़ा, झोपड़ी, झोपड़ी का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है, हट, चल हट, नहीं चलो झोपड़ी में, चल हट, मतलब चलो झुपड़ी में, ठीक है, पर जैसे को बोलेगा चल हट, तो बोला चलो झुपड़ी में, ठीक है ना, बोला झुपड़ी जाएंगे घर जाएंगे, तुम बोलते ना, तो कॉटेज, कॉटेज बोलो, हट बोलो, नहीं अब मेरा वहाँ का नाम है पीके कॉटेज, हम बताते हैं ना, बहुत बता चुके हैं अपना घर का हम नाम रखेंगे पीके कॉटेज, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो देखा कि झुपड़ी है, तो वहाँ आवाज दिया, झुपड़ी से बाहर निकला एक बूढ़ा आदमी, उसको कुछ कहा है ओल्ड प्रॉक्टर, नहीं ये निकला कहाँ से, उस कॉटेज से, और ये पहले काम करता था, कहाँ पर काम करता था, राम्स जो आयरन वर्क्स, तो ये लोहा बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है ना, यहीं पर लोहा बनने के काम होता था, रॉड बनता था, ये बनता, छड़ बनता था, ये बनता था, तो यहाँ से बनता था, तो पहले ये काम करता था, बाद में जब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तब गाय रख करके दूध बेचना शुरू कर दिया, ऐसा जीवन बहुत ही मस्ती से गुजर रहा था, मतलब इनकम इसका अच्छा खासा हो रहा था। तो जब इसने देखा कि कोई मेहमान मेरे घर में आया है, तो वो भी बहुत खुश हो गया कि चलो आज किसी से हमको गप करने का मौका मिलेगा, टाइम पास होगा, नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए वो बहुत ही क्या हो गया, खुश हो गया, उसको आया, इसके बाद उसको क्या गया, मजलिस खेला रात में, उसके साथ एक गेम है ताश का गेम है मजलिस, ये खेला, ठीक है ना, और ये खेलने के बाद तब तक खेला जब तक कि नींद ना बेड टाइम ना था, सोने के टाइम समय ना हो जाए, तब तक खेला, प्लस में इसको सुख भी दिया, नहीं
रात का ये सुख भी दिया, बस ये भी खुश नहीं। जब सोने का टाइम हुआ तो उसने खिड़की से क्या निकाला, एक बटुआ निकाला जो कि टंगा हुआ था, ठीक ना, उस झोपड़ी में टंगा हुआ था बटुआ, थैला सुख पॉच वो निकाला, वहां से तीन वो रिंकल है, रिंकल में होता है जो इसका मोड़ फोड़ के रखा हो, तो हो गया रिंकल, ठीक ना। ऐसे पेज पेज का पन्ना जो होता है वो उसको नाम मोड़ जाता है, मिलता है ना, तो फिर हम बोलते हैं क्या रिंकल्स, डाल समय जो ईल हो जाता है होता है ना, उसके बाद हम लोग रिंकल्स बोलते हैं, तो जब छोड़ने का मोड़ा जाता है, मोड़ा नहीं होता है उसको, तो रिंकल्स। तो ये क्या है, तीन वो नोट निकलता है, बीस मिनट यहाँ पर है नोट, ठीक ना, कितना है 10 क्रोनर का, 10 रुपया हम लोग का होता है रुपया, वहाँ का होता है क्रोनर। तो वो 10 को निकालता है, उसे गिनता है, आखिर उसे वहाँ पर पॉच में रख के सो जाता है। सुबह दोनों जल्दी उठता है, उठने के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चल जाता है, नहीं और बोले थे हम कि जब घर का मालिक ही जल्दी उठ जाए तो फिर मेहमान को देर तक सोना नहीं चाहिए, इसलिए वो भी जल्दी उठ जाता है, वो गाय का दूध निकलता है, वो दूध बेचने के लिए निकलता है या अपने रास्ते में निकलता है, आधा घंटे के बाद वो जो क्रप्टर है वापस फिर वहीं पर पहुंच जाता है, नहीं कौन वो जो पेल्डर था, वो पेल्डर पहुंच जाता है कहाँ पर, उसी कुटिया के पास, उसी झोपड़ी के पास जहाँ पर की खिड़की के पास जहाँ पर वो नोट रखा हुआ था, और वहां का पेन चोरी करके वहां से बटुआ निकालता है, 30 रुपया अपना पैकेट में भरता है और बैग उस पॉच को उस बैग थैला को रख वहीं रख देता है, फिर प्यार से वो चल जाता है अपने रास्ते। और वो सोचता है कि हम बहुत ही बड़ा काम किए हैं, बहुत ही महान काम किए हैं, हम बहुत ही स्मार्ट हैं, नहीं कि हम बहुत पैसा चुरा लिए हैं पैसा 30 रुपया पर, बहुत महान। फिर वो सोचता है कि स्मार्ट है तो कुछ स्मार्टफोन लगाना चाहिए, नहीं वो सोचता है कि अगर हम मेन हाईवे से जाएंगे तो हमको अलग आदमी या फिर पुलिस पकड़ लेगा, नहीं इसलिए काम करते हैं जंगल के रास्ते से निकलते हैं। तो बेचारा वो जंगल के रास्ते से निकल जाता है, वो जंगल बहुत ही क्या था, डेंस था, नहीं मतलब तो बहुत ही घना जंगल था, घना जंगल था, और मौसम महीना है दिसंबर का, मौसम है जाड़े का, शिमला तो दिसंबर का महीना में शाम रात जल्दी हो जाती है, तो वहां भी शाम और रात जल्दी हो गया, और जंगल इतना घना था कि वह वापस निकल ही नहीं पाया, वहीं पर फंस गया। अब फंस गया कैसा फंसा कि उसको लगा कि अब तो हम फंसे, तब उसे एहसास हुआ कि हम जो है एक चूहा है जो कि संसार को बीच ले जाने में क्या होते हैं फंस चुके हैं, मेरी बारी आ गई है फंसने की, ठीक ना, मरने की। और वो वहां पर बैठ जाता है बेहोश सा होने के समय में पूरा, उस समय उसे आवाज सुनाई पड़ती है, अब उसके पास इतना भी ताकत नहीं रहता है कि वो एक कदम और भी जो चल पाए, ठीक ना, बिल्कुल एकदम थक हार के एकदम मैं कह रहा था गिर सा जाता है, लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है, ठंडा का मौसम है, ठीक है, तो ठंड से भी मर रहा है बेचारा, ये तब तक एक आवाज सुनाई पड़ रहा है, किसका, लोहे की पिटने की आवाज। तो उसे याद हुआ कि यहीं कहीं अगल बगल में होना चाहिए क्या, लोहा का फैक्ट्री, कौन सा, राम्स जो आयरन वर्क्स, वो अपना ताकत जो कि बचा के रखा था जमा किया नहीं जैसे, और उस साउंड सुन सुन के इधर सारा इधर से चलो उधर से चलते चलते चल जाता है, और उस राम्स जो फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो क्या करता है, उस होते फौज फर्मिस वही यहाँ पर आग जलता है और लोहा सब बनाता है, ठीक ना, वहां वो पहुंच जाता है, और वहां पर आयरन मालिक से यानी कि जो आयरन मास्टर होता है उससे पूछता है, वो देखता क्या है कि आयरन मास्टर काम कर रहा है, लोहा पिघला रहा है, लेबर सब कोला डाल रहा है उसमें, ठीक ना, ये कोला ताकि वो गर्म हो जाए, सब काम सब कोई अपना अपना काम में लगा हुआ है। तो यह जाके बोलता है, अब मान लो कि तुम्हें यहाँ पर जाना है घुसना है, पूछेगा ना क्या देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, घुस सकते हैं नहीं घुस सकते हैं, नहीं तो वो पेल्डर भी पूछता है कि क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो आयरन मास्टर सोचता है वहाँ का जो था आयरन मैन, वो बहुत सोचता है कि यहाँ का आदमी आते जाते रहता है, ठंडा के मौसम में आग सेकने के लिए आता है, तो ये भी कोई होगा फालतू का आदमी, नहीं चलो इसको भी बैठने दो, ठीक है बैठो, वो ध्यान नहीं दिया कि ठीक है बैठो, नहीं पता है ना ध्यान गया हम गए, ठीक ना, तो अगर हम उसे घर गए मान लो किसी घर चले गए, ठीक ना, हाँ आइए सर आइए सर आइए सर बैठिए बैठिए, नहीं नहीं आया सर चाय बनाइए, नहीं रुआ के ध्यान देना, ठीक है, अब इसे गए सर
कौन है सर? किस लिए आया है? तो ये आपको ध्यान नहीं हुआ? नहीं तो ऐसे हम कुछ पूछते हैं, ऐसे हम कोई से कुछ बोला तो खाली नहीं, ये तो ध्यान नहीं देना। हाँ क्या नहीं ऐसा होगा ठीक ना, तो बोले करेंगे लोग तो करेंगे मत करो, ये तो क्या ध्यान देना मतलब। तो वो भी ध्यान नहीं दिया, पूछा कि बैठे मतलब को ध्यान नहीं दिया। वो सोचा कि कोई होगा घुमक्कर लोग यहाँ आते लगे रहता है, तो कोई आप सीखने के लिए आया होगा नहीं तो बैठो, बैठ गया। लेकिन उसका जो एरर मास्टर था ना, जो ओनर था उस मालिक, उसका टारगेट था कि हमको मार्केट में सबसे अच्छा से अच्छा क्या करना है, लोहा बना के देना है ठीक ना, वो अपना नाम कमाना है, सबसे अच्छा से अच्छा हमको लोहा देना है। इसलिए वो घूमते रहता था, आता था क्या करने के लिए, देखने के लिए, क्या देखने के लिए कि काम अच्छा से हो रहा है कि काम अच्छा से नहीं हो रहा है। तो उसी समय वो रात में आ गया देखने के लिए, घूमने के लिए कि काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है ठीक है ना। जैसे ही उसको देखा, इसको पेडलर को, उसको लगा कि उसका दोस्त है नहीं, और वो बोलता है ओ नील्स ओलाफ, उसका नाम क्या बोला, नील्स ओलाफ ठीक, ये नाम बोला ठीक ना, कौन नाम बोला, वो मालिक ने, मालिक ने कि वो कैप्टन, वो क्या था एक्चुअली में नील्स ओलाफ कौन था, उसका दोस्त था ठीक ना, उसका दोस्त मालिक का दोस्त, हाँ उस ओनर का फ्रेंड था, जो कि पहले काम करता था यहाँ पर, नौकरी करता था ठीक ना, उसका दोस्त नील्स ओलाफ ठीक ना। उस राम जो आयरन वर्क का उसका मालिक का जो दोस्त था, वो काम करता था सेना में, था आर्मी में था बोल सकते हैं ठीक ना, वहाँ था, लेकिन उसने रिजाइन दे दिया था ठीक ना। तो जब उसको देखा आयरन मालिक ने देखा उस पेडलर को, तो उसको लगा कि ये क्या है, मेरा दोस्त है। तो बोलता है अरे यार तुम्हारा हालत कैसे ऐसा हो गया, नहीं तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था जीवन से, नहीं देखो अगर हम होते ना तो वो रिजाइन देने नहीं देते, वो तो अच्छा काम हुआ नहीं रहे, तुम दे दिया इसीलिए तुम्हारा ऐसा हालत हो गया, वो बहुत ही दुख हुआ जान करके नहीं कि तुम्हारा ऐसा हालत हो गया, चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर चलो, मेरा रूम चलो, नहीं वही रहना, मेरे घर में भी कोई नहीं है, देखो हम पत्नी से, पत्नी तो पहले ही मर चुकी है नहीं, भाई है और ऊपर से बेटा तो बाहर पढ़ने गया है, बस एक बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है, और काम है, चलो तुम मेरे साथ रहना, घर में रहना, वो ऐसा उसको बोलता है। तो ये सोचता है पेडलर कि कहाँ से टपक गया, नहीं सब दोस्त हम सब बन गए, हम सब कैप्टन बन गए, हम तो कहाँ पर चोर चोर है नहीं, कैप्टन बन गया आर्मी का, तो वो ना तो इनकार कर दिया, वो समझ गया कि लगता है कि इसको गलतफहमी हो गया है, नहीं पता है गलतफहमी हो जाता है कभी, बहुत बार होता है, उसको लगता है गलतफहमी हो गया है, वो सोचता है कि कुछ तो बात है नहीं, तो वो सोचता है कि लगता है इसको भी गलतफहमी हो गया है। और उधर उसका जो मालिक था बार बार जिद कर रहा था, तुम चलो मेरे घर चलो, यह इनकार कर दिया, सोचने लगा कि मेरे पास 30 फोल्डर है नहीं, क्या पता अगर वहां गए और फंस गए तो जेल भी जा सकते हैं नहीं, पकड़ा जाएंगे, तो अभी उल्टा सोच रहा है कि फंस गए तो गया काम से, इसलिए वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है, नहीं जाता है। तब वो मालिक चल जाता है अपना घर, कुछ देर के बाद आधा घंटा बाद एक गाड़ी आती है, उसे उतरता है, उस नौकर से अच्छे से लड़की निकलती है ठीक ना, और वो लड़की कौन थी, वो उसकी बेटी थी, ओनर की कौन थी, बेटी की डॉटर ठीक ना, नाम था एडला विलमसन ठीक, नाम क्या था एडला विलमसन। ये उतरती है उस गाड़ी से ठीक ना, और उतरने के बाद क्या होता है कि वो प्यार से बोलती है कि मुझे पता चला कि आप बहुत जिए हैं नहीं, आप उदास हैं क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया है, आपका हालत बहुत ही खराब हो गया है, इसलिए आपको शर्म आ रही है नहीं कि फटा फटाना कपड़ा लेके आप कहाँ जाइए, पता है ना कि अगर कपड़ा फटा हो तो बराती जन्म करेगा नहीं, पार्टी जन्म करेगा सत्ता कपड़ा में, पुराना कपड़ा तो फूल को जाता नहीं पार्टी में, पता है ना, पुराना कपड़ा नहीं जाएंगे, होता है इतना ही प्यार से बोलती है किसको, पेडलर को मना नहीं कर पाता है नहीं, प्यार से बोल रहा है, मना कैसे कर पाएंगे नहीं, इसलिए वो उसको मना
नहीं कर पाता है, ठीक है ना। होता नहीं तो ये जो वर्ड है ना प्यार से बोलना होता है ना, जेंटल स्वभाव से होता है ना, ये खासकर इस तरह का होता है जब मतलब कोई रिश्तेदार हो, खास साली साली जाजिम होता है नहीं रे, अगर जाजी कुछ चीज नहीं खाता है साली दे दे जाजी हम आपके बनाए स्पेशल खाइए ना, ठीक ना, तो बाद में खा लेगा और बाद में पछता कर बोलेगा अरे नहीं खाते रे, वो प्यार से बोली ना सिर्फ खा रहे खूब समझ ठीक ना, तो अब प्यास में जहर खा लेगा समीर, तो ये क्या है सब बेवकूफ सफर करता है ठीक। तो वो जो है कौन एरला विल्सन, उसको बहुत ही स्वभाव से जेंटल मतलब नहीं नम्र भाव से बोलती है कि आप मेरे घर चलिए, कम से कम आप मेरे साथ रहिए कम से क्रिसमस दिन तक, नहीं फिर क्रिसमस के बाद आप चल जाइए, नहीं हमको कल कोई नहीं है साथ में रहिएगा तो अच्छा लगेगा हम लोगों को भी, तो उसको भी लगता है कि जो ठीक है नहीं बस नहीं ना, अगर तुम किसी को खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीदेगा पता है, प्यार तुम बोलोगे ना हेल्प करेंगे तो बोलो क्या जाता है। मेरा था वो तो अपने किसी बोला था कि आपको हम देंगे पैसा देंगे, बोला था कि इतना रुपया देंगे खाने का भी देंगे ठीक ना, तुम मेरे घर आ हम पढ़ाने के लिए, तो हम मना कर दिए तीन चार बार मना कर दिए, लास्ट में क्या बोला तब पैसा वाला बात छोड़ के क्या बोलता है क्या बोला कि देखो ना ऐसा बात है कि जरूरी है तुम नहीं आएगा तो ये सब हो जाएगा, ऐसे तुम आ जाओ किसी तरह करके ठीक ना, मतलब तो वहाँ पैसा नहीं बोला था, वो दिखाया आके मेरा हेल्प कर दो आगे ठीक ना, वही बोला कि आके मेरा हेल्प कर दो, तो जैसे बोला कि मेरा आगे हेल्प कर दो बस हम तुरंत रेडी हो गए ठीक है ना। आज जब तक वो बोला था पैसा देंगे पैसा देंगे, हमने हाँ नहीं बोल रहे, जैसे बोला कि हाँ हेल्प करो, तो वही है कि अगर तुम किसी को अगर बनाना है तो ये बोलो कि पैसा देंगे ये कर देंगे वो सहमत, बस तुम उसको दिखाओ कि हम फंसा क्या है गरीब, क्या गरीब नहीं मतलब गरीब है फंसा लाचार है, आपकी हेल्प की जरूरत है, अगर तुम ये चीज को दिखाएगा तो तुम्हारा बात वो मान सकता है बस ना, तो वैसा करती है तो मान जाता है और उसके साथ वो चल जाता है ठीक है ना, चल जाता है उसका घर। दिन है 23 दिसंबर, उस रात का दिन कितना था नहीं वो जो रात जिस रात में उससे घर गया कितना है 23 दिसंबर ठीक ना, बस 24 दिसंबर को सुबह उठता है रूम में वो मालिक उसकी बेटी बात करती है, उसको लगता है ये बहुत ही बदहाल में जी रहा होगा, नहीं बहुत ही गरीब हाल में जी रहा होगा बेचारा, फंस गया होगा किसी मुसीबत में इसलिए हालत सब बहुत ही बुरा हो गया होगा, तो उसका प्यारी बोलता है टेंशन मत लो अभी नौकर उसको नहा धुला रहा है, जब निकलेगा ना तब तो बहुत ही हैंडसम होकर निकलेगा नहीं तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उधर नौकर जो है उसे नौकर जो था वो उसको ले गया किसको रेगुलर क्या करने के लिए दाढ़ी वो शेविंग करने के नहलाने के लिए साबुन से नहीं, वो पहले सोचता है कि लगता है जिस प्रकार बकरी को हलाल करने से पहले सजाता है ना, लगता है हमको भी उसे हो रहा है नहीं होता है उसे तो लगता है हम फंसे अच्छा से ठीक है ना, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, ठीक लास्ट में जब शेविंग कर देता है जैसे ही रूम नहा धो के कोट पहना के फर वाला कोट फर समझता है ना कपड़ा करके फर फर रहता है वो कोट जो कि उस मालिक का ही था, वो पहन के जैसे घुसता है रूम में बस मालिक पहचान जाता है नहीं, देख के वो खुश नहीं हुआ, वो पहचान गया कि अरे इसको तो हम गलत समझ गए नहीं ये मेरा दोस्त कुछ है नहीं, पता नहीं कहाँ से कौन लफड़ा लफंगा है उसको उठा के हम ले आए हैं, तब उसको डांटता है गुस्सा होता है ठीक है, जल्दी निकल जाता है हिम्मत कैसे हुआ मेरा कोट पहनने का नहीं तो वो हाल उसको दिखा दिया ठीक ना कि चलो भागो, तो पेंडल बोला कि इसमें मेरा क्या गलती है हम तो आना चाहते नहीं थे आपने जबरदस्ती मुझे ले आया नहीं मेरा कोई गलती नहीं है आप आपको पसंद नहीं है तो हम कोट उतार सकते हैं नहीं अपना अलग पहन के चल जाएंगे, इसमें क्या दिया सब तो सोच रहा था नहीं सब बोला ठीक ना, वो सोच रहा उठो कि सोचा सब कुछ ठीक ना, तो उसकी बेटी बोलती है एडला गुलसन उसको थोड़ा दया में आ गया कि बेचारा को हम लाए नहीं अरे बुरा लगेगा कि किसी भगा देगा नहीं तुम लाया भगा दो किसी बोलेगा चलो चलिए सर पढ़ाई चलिए ठीक ना हम तो कहते हैं चलिए सर चाक लाएंगे ठीक ना ऐसा खिलाएंगे अगले बैठा दी चाहिए सर कैसे लगेगा
तो उसे ही हाल हुआ ठीक ना, उसे पहले लगा तो वो इल्ला वैसे सोचती है कि सुब्रा को तो बुरा लगेगा, बेचारा कभी भी इसको अच्छा से खाना पीना नहीं मिलता होगा, नहीं कम से कम एक दिन इसको अच्छा से रहने दे दिया जाए। तो ये बात उसको मनाया अपना पापा को यानी कि मालिक को, तो उसका पिताजी भी राजी हो गया, ठीक है तुम कहती हो तुम्हारे भरोसे उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं तो बस उसको छोड़ देता है। अल्लाह भरोसे क्या करती है उसको अच्छा से खाना पीना खिलाती है, नहीं अब खाना पीना खिला के बहुत ही अच्छा से प्यार से नौकर चलता है उसको, नौकर लगाता है वो नौकर पर शेरीफ बोलते हैं उसको, पता है शेरीफ आप सुनिए वर्ड को इतना ही बोला शेरीफ, तब वो खाना लगाने वाला खाना जो पोसता खाना जो पोसता है ना बनाता है क्या होते हैं शेरीफ, वो उसको लगाता है खाना सब ठीक ना। अब बस जैसे खाना मिलता है अब भूखे पास क्या करेगा दोनों से खाना सूख नहीं रहे जल्दी जल्दी, तो वो बोलता है दोस्त आराम से खाओ नहीं तो जल्दी मत करो नहीं आराम से खाओ तो तुमको नहीं छीने तुम्हारा खाना आराम से खा लो ठीक ना, उसके बाद तुम करना। तो बेचारा आराम से खाता है, अब खा लिया पेट पेट तो फूल गया होगा नहीं, बस तो फटफट खा लिया पेट फूल गया। ये तो कंजूस देखा कैसे होता है, बताया कि ये मेरा पिताजी बहुत कंजूस है, कैसे तो खाना खाता है ना तो चम्मच से खाता है, इतना चम्मच नहीं एक चम्मच उठाता है खाना देता है वो फिल्म फिल्म दिखाता है, अगर घी किस उठाता है मतलब बस एक लकड़ी लेता है घी हो गया, तो उसका हालत नहीं था भरपूर था खाना खा लिया, तो खाने वक्त का रिंद आ गया तो सो गया ठीक ना। फिर दोपहर में उठा फिर से शाम तक खाया क्या क्रिसमस फिश खाया पोलिस खाया, तो क्रिसमस दलिया जो होता है ठीक ना वो खाया, अब फिर से वो सो गया, मिला होगा मस्त सोने के लिए नहीं मलमल का बिछावन तो सो गया। सुबह जल्दी उठा कौन उसका मालिक और उसकी बेटी, और ये बात है कब 24 तारीख को, 24 तारीख को क्या होता है क्रिसमस का ट्री लाइटिंग किया जाता है नहीं सजाया जाता है लाइटिंग किया जाता है, बस रात में खाना सब उठाया सो गया। 25 को सुबह सब कोई चर्च जाता है, तो उसकी बेटी और उसका पिताजी दोनों चला गया चर्च, अरे ये बेचारा सोया हुआ था क्योंकि मिला होगा कितना साल के बाद सोने के अच्छा से, तो सोया हुआ था तो सोचा कि क्या उठाएंगे चलो सो रहे, तो वो चला गया चर्च प्रेयर करने के लिए। जैसे चर्च में गया तो सुना एक न्यूज यानी सुना कि एक पेडलर जो कि चूहेदानी बेचता है बेचता है, उसने एक रोड के किनारे रहने वाले एक बूढ़े ओल्ड क्रॉक्टर से 30 रुपया 30 कॉर्नर का नोट चुरा के भाग गया है। जैसे ये सुनता है बस वहां से हड़बड़ा के दोनों गाड़ी से जो था जिस गाड़ी से गया था उस यहाँ पे वर्ड आया है गाड़ी के लिए बोलते हैं वैगन, वैगन है वैगन ये मतलब वो गाड़ी खड़ा उससे कहता आया खड़ा खड़ा आया गाड़ी रुका तो हड़बड़ा के घुसा घर पर नौकर को पूछता है ठीक ना कि वो जो गया कि है ये है तो वो चला गया। अब उसको लगता है कि वो चला गया लगता है मैं सामान लेके भागा होगा नहीं पैसा तो पैसा कर पैसा लेके भागा होगा पक्का है। जब उसमें अंदर घुसता है तो नौकर बताता है कि कुछ लेके नहीं गया है एक तो पैकेज छोड़ के गया है पैकेज समझता है कुछ सामान नहीं, तो उसमें क्या देखता है कि उसमें एक लेटर लिखा हुआ था ठीक है ना एक लेटर लिखा हुआ था ठीक ना उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि उस लेटर में लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था कि आपने जो मुझे प्यार दिया नहीं मुझे कैप्टन के रूप में उठाया ठीक ना मैं तो कहां फेंका हुआ था कि आपने मुझे क्या क्या कैप्टन बना दिया ना यार कैप्टन बना दिया ना तो इसीलिए आपने मुझे बहुत इसीलिए जब आपने मुझे कैप्टन बनाया तो मैं अपने आप को सुधार पाया नहीं मेरे अंदर वो अच्छा ही आया अपने जो प्यार दुलार से मैं सब कुछ भूल गया और अच्छे अपने जीवन को मैंने उतार पाया ठीक ना। और लास्ट लिखा था कि एक बड़े सा चूहे के लिए नहीं एक बड़ा सा चूहा की ओर से एक छोटा सा चूहेदानी परिजन में तुम्हें दे रहा हूँ ठीक ना ये चूहा संसार में फंस गया होता अगर तुमने मुझे कैप्टन के रूप में नहीं उठाया होता बस समझ गया ना। और लास्ट में है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स अ कैप्टन वन स्टेहल ठीक ना ये वो लिखता है नाम ठीक ना कैप्टन वन स्टेहल उसका नाम होगा वन स्टेहल लास्ट जुड़ गया क्या कैप्टन जुड़ दिया बस समझ गया ना कि उसको कैप्टन बनाया था सबको समझ में आ गया तो ठीक है ठीक ना। कुछ पूछना है जो लाइव है वो कमेंट कर सकता है कमेंट से पूछ सकता है
किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो बना देंगे फिर। ठीक ना, ठीक ना।